डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने टॉर्क ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क की डेरिवेशन कर चुका हूं, और डेरिवेशंस का जो फॉर्मूला आया था टाउ इज इक्वल टू पी मैग्नीट्यूड ई मैग्नीट्यूड साइन थीटा। पी है डाइपोल मोमेंट्स, पी इज इक्वल टू टू क्यू ए। तो आज हम कुछ केस स्टडी करना है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता है और कैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। केस वन, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमारा पास व्हाइट बोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, और एक डाइपोल रख दिया है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सी इसका सेंटर ऑफ डाइपोल। और आपको पता है जो डाइपोल मोमेंट है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाते हैं, तो डाइपोल मोमेंट भी लेफ्ट टू राइट की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर राइट, मतलब एक ही डायरेक्शन। जब एक ही डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में, बीच में एंगल क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि आप 11th क्लास में पढ़े हैं। अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जाता है तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो डिग्री। अब इस फॉर्मूला में मैं पुट करता हूं टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा जीरो, सो साइन थीटा जीरो, तो टाउ क्या हो गया, जीरो हो गया, मतलब डाइपोल इज नॉट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ थीटा इज जीरो, इट इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सीबीएसई में काफी बार ये सवाल आ चुका है डिराइव करने के बाद, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। से केस टू, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है ना, आप देखिए, आप डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल था इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था, अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट मेरे व्हाइट बोर्ड की राइट टू लेफ्ट की ओर आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहे हैं, मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 होता है। फिर मैं यहाँ पे पी मैग्नीट्यूड ई मैग्नीट्यूड साइन 180, साइन 180 मींस साइन, अगर 180 होता है, साइन 180 की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एक सवाल यहीं पे खड़ा होता है, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो तो समझ आ जाता है, भाई कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो घूमेगा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर क्योंकि टाउ जीरो है, उसका हम नाम दे रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे भी टाउ जीरो है और कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो रोटेट नहीं होगा, लेकिन इसका नाम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, बच्चों के मन में ये सवाल आएगा, लेकिन इसके जवाब आप कोई और बुक किसी पढ़ के आप देखना है इसका जवाब क्या है। ऐसे 180 होता है तो हम इसको अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं, यहाँ भी टॉर्क जीरो है। कुछ कुछ सवाल है, मैं पढ़ाते पढ़ाते छोड़ जाता हूँ ताकि उसके बारे में आप ज्यादा जानकारी करो। इसका जो आंसर है, मैं जब नेक्स्ट वीडियो बाय इसका प्रॉब्लम में आऊंगा तब मैं बताऊंगा। केस थ्री, मैक्सिमम टॉर्क। अगर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इधर देखिए नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट क्या है, ये व्हाइट बोर्ड के ठीक बॉटम से टॉप की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या है, 90 है। मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 90 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क में पी ई साइन थीटा, साइन 90, साइन 91 है, तो टॉर्क क्या हो गया, खाली पी मैग्नीट्यूड ई मैग्नीट्यूड इट इज अ मैक्सिमम। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो डाइपोल मोमेंट की केस है, इस केस से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा।